तो देश के पहाड़ी हिस्सों से लेकर मैदानी इलाकों तक जमकर बारिश हो रही है। कहीं बाढ़ का सैलाब है तो कहीं लैंडस्लाइड से तबाही मची है। अगस्त के महीने में देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यूपी में धीरे धीरे नदियां भी अपने रौद्र रूप में आ रही हैं, क्योंकि पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जब आसमान से मूसलाधार बरसात होती है, तब बाढ़ बारिश से उफान मारती नदियों का पानी शहर शहर सैलाब बनकर कहर बरपाने लगता है। बारिश से उफान मारते नदी नालों और डैम ओवरफ्लो होकर देश के आधे हिस्सों में देखिए कैसे हाईवे से लेकर गांव और शहर के रिहायशी इलाकों में तांडव मचाने लगता है। सड़क और पुल के ऊपर से उफान मारती नदियों का पानी हाहाकार मचाते हुए निचले इलाकों में समाने लगता है। सैलाब का प्रचंड प्रहार फर्राटा भरने वाली गाड़ियों का रास्ता भी रोक देता है। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार हुई बारिश से स्थिति बदल गई। सरयू नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ गया। मौसम विभाग का अलर्ट सही साबित हुआ। भारी मात्रा में सिल्ट आने से पेयजल व्यवस्था प्रभावित हो गई। जल पुलिस के जवान लोगों को सतर्क कर रहे हैं। नदियों के किनारे जाने पर रोक लग गई। जिले के तीनों ब्लॉक में तेज बरसात के चलते सड़कें बाधित हुई। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गौचर कमेड़ा के पास मालवा और बुल्डर आने से हाईवे बाधित हो गया। इस दौरान एक कार बुल्डर की चपेट में आई, जिसमें सवार लोगों की जान बाल बाल बची। इन दिनों पूरे पहाड़ों में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अलग अलग जगह पर बार बार मलबा आने से लोगों की आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना हो रहा है। मलबा हटाने का काम जारी है और सड़क मार्गों को खोला जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही बारिश से नदी नालों में जलस्तर बढ़ गया, जिससे लोगों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। रामनगर हल्द्वानी स्टेट हाईवे में कालाढूंगी के चकलुआ के पास बरसाती नाला तेज बहाव में आने से 31 जुलाई को इस नाले पर बना पुल बह गया था। अब बारिश होने के कारण नाले के आने से यात्री फंस रहे हैं और वाहन को जोखिम डालकर बरसाती नाले के तेज बहाव को पार कर रहे हैं। मुरादाबाद में मंगलवार रात बारिश की वजह से शहर के लाइन पार एरिया में जलभराव के हालात पैदा हो गए। रात में शुरू हुई बूंदाबांदी तड़के तेज बारिश में तब्दील हो गई। इसके बाद रुक रुक कर बारिश का सिलसिला भी जारी है। मामूली बूंदाबांदी ने ही नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पर भी जलभराव हो गया। जलभराव की वजह से ट्रेनों की स्पीड बेहद कम कर दी गई। रेलवे कंट्रोल रूम लगातार ट्रैक के हालात पर नजर बनाए है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर यूपी के हमीरपुर में भी दिखने लगा। यमुना और बेतवा दोनों ही नदियां खतरे के निशान के करीब है। आशंका है कि अगले कुछ घंटों में दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाएगा। जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट मोड पर रख दिया है। हमारे पीछे का किसी समुद्र तट सा दिखने वाला यह नजारा जनपद हमीरपुर मुख्यालय से निकली यमुना और बेतवा नदियों का है, जहां माता टीला बांध और चंबल नदी से लगभग 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिसके बाद से ही दोनों नदियां उफान पर हैं और पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यमुना और बेतवा दोनों ही नदियां अभी खतरे के निशान से लगभग 1.5 से 2 मीटर नीचे बह रही हैं। इस बीच प्रयागराज से एक ऐसा मंदिर है जहां मंदिर और स्थानीय लोग बाढ़ आने का इंतजार करते हैं। प्रयागराज के हनुमान मंदिर में बाढ़ का पानी घुसने पर शंखनाद और घड़ियाल बजवाकर स्वागत किया जाता है, जिसे देखने के लिए प्रयागराज के शहर के लोग एकत्रित होकर मंदिर के पुजारियों के साथ बकायदा ताली बजवाकर माँ गंगा का जयकारा लगाकर स्वागत करते हैं। प्रयागराज का अनोखा मंदिर संगम में लेटे हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। संगम क्षेत्र में माघ मेला तकरीबन 10 किलोमीटर के दायरे में लगता है, तो वहीं कुंभ मेला और महाकुंभ 20 किलोमीटर रेंज में लगाया जाता है। और जब जलस्तर तेजी से बढ़ता है तो मेला लगने वाली पूरी जगह बाढ़ के पानी में डूब जाती है। बड़े हनुमान जी का ये मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है। गंगा जी ने इस हनुमान मंदिर में प्रवेश किया। आप देखें तो ये जो चैनल बंद है,
इससे सीढ़ी से नीचे जाते हैं तो बड़े हनुमान जी की प्रतिमा है, जो लेटे हुए हनुमान जी जिनको कहते हैं, चूंकि विश्राम मुद्रा में है, और हनुमान जी के मंदिर में गंगा के पानी ने प्रवेश किया और बाकायदा उनकी आरती की गई है गंगा जी की, और बजरंग बली की आरती और जो पूजा पाठ है उसके बाद इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं, चूंकि अब यहाँ पर कई दिनों तक इस मंदिर में गंगा का वास रहेगा। तो जिस तरह से जल स्तर बढ़ा है उसके बाद प्रयागराज के तमाम निचले इलाकों में पानी भरा है, और सबसे पहले यहाँ पर इस बड़े हनुमान मंदिर में गंगा जी ने प्रवेश किया। और ये मान्यता है कि गंगा जी जब हनुमान मंदिर में प्रवेश करती है और हनुमान जी को स्नान कराती है तो वो साल जो होता है वो शुभ होता है प्रयागराज के लिए, देशकाल के लिए, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। और बाकायदा गंगा जी की पूजा की जाती है, जो बाढ़ का पानी होता है जब यहाँ पर प्रवेश करता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, तो ये एक अलग परंपरा है, चूंकि गंगा जी जो है वो बजरंग बली को स्नान कराने के लिए यहाँ पर पहुँचती हैं, ऐसी मान्यता है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, गंगा अपने रौद्र रूप में आने को उतावली है, और इसी बीच बढ़ते जलस्तर का असर दिखना शुरू हो गया। अब तक सिर्फ गंगा किनारे पक्के घाटों का संपर्क टूटा था, तट पर बने छोटे बड़े मंदिर जलमग्न हुए थे, आरती स्थल की जगह बदल गई थी, लेकिन अब महाशमशान मणिकर्णिका घाट में शव का दाह स्थान तक बदलना पड़ा, क्योंकि गंगा का पानी घाट के ऊपर तक आ गया। बाढ़ की विभीषिका ने सभी पक्के घाटों के साथ ही महाशमशान मणिकर्णिका घाट को डुबो दिया। आलम ये कि अब ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए बनाई गई छतिया, जिसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहते हैं, वहाँ शवदाह शुरू किया गया, लेकिन जगह कम हो जाने और भीड़ बढ़ने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गंगा का जो रौद्र रूप है वो वाराणसी में दिखाई दे रहा है, और गंगा के इस बढ़ते हुए जलस्तर के कारण मोक्ष पाना भी अब मुश्किल हो गया है। शमशान घाट पूरी तरीके से डूब चुके हैं, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां पर लोग नहा रहे हैं, दरअसल वही घाट है, पर इस समय घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और शवदाह करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो यहाँ पर अपने मृतक के शव लेकर आए हुए हैं वो देख सकते हैं किस तरीके से बहुत मुश्किल से यहाँ पर शवदाह करते हुए देखे जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8।